सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी चलो बूथ के पास चौपाल करें यात्रा के साथ कार्यक्रम के दौरान बेतिहाता स्थित सपा कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस का दाम बढ़ रहा है, जिससे आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी बूथ पर काम कर रही है तथा सभी बूथ सेक्टर व संगठन के साथियों के साथ कार्य योजना बनाकर अखिलेश यादव की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा से हम लोगों का पूर्वांचल दौरा है। हम अपने मिशन कार्यक्रम और चले बूथ पे चौपाल करें कार्यक्रम के तहत आज नवे दिन हम लोग गोरखपुर की ऐतिहासिक सरजमी पर आए हैं और अपने सभी बूथ के सेक्टर के बूथ की कमेटी के पदाधिकारियों से अपने सभी सम्मानित संगठन के पदाधिकारी साथियों से बैठ करके अपनी कार्य योजना बना रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। 2022 की आगे हम लोगों का जो चुनाव है उसकी रणनीति, कुशल रणनीति, बृहद रणनीति बना करके हम लोग जनता के बीच में जन जन जाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। 400 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आएगी। तीन सीटें किसके लिए? तीन सीटें जो बचे खुचे लोग होंगे उनके लिए। 400 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर के आएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता ने, किसान ने, नौजवान ने, मजलूम ने मन बना लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। ये हम समाजवादी लोग अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जन में जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 15 मार्च 2012 को शपथ लेते ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी की, वैसे ही जो उन्होंने वादे किए थे जनता के बीच में, वो वादों को जमीन पर उतारने का काम किया है। किसी ने देश में पूरी योजनाओं को चलाने का काम किया, पूरे मैनिफेस्टो को लागू करने का काम किया है तो उनका नाम है आदरणीय अखिलेश यादव जी। उन्होंने जो काम किए वो देश प्रदेश की सरकारें उनसे सीख रही थी। आज देखिए क्या काम है। आज एक भी योजना बता दीजिए, एक भी योजना जमीन पे नहीं है। लोग त्राही त्राही माम कर रहे हैं। आप 5 किलो राशन से क्या देश प्रदेश के लोगों का पेट भर जाएगा? 2 टाइम की रोटी उनको नहीं मिल रही है। हाँ, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। देश के हालात खराब हो गए। महंगाई, बेरोजगारी देखिए कितनी चरम पे आ गई है। जब इन्होंने सरकार बनाई थी 60 रुपये लीटर डीजल था। देखिए ये तो दुनिया जानती है, सम्मानित जनता, देश प्रदेश की जनता भी जानती है कि ओवैसी बी टीम है भाजपा की और बी टीम है ये लोग, आप भी जानते हैं।